इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज रामपुर राजौरी में होली का त्यौहार पिछले 8 दिनों से पिछले यात्र को स्टार्ट किया गया था। आज 8 दिन हुए हैं, यहाँ पे जो कार्यक्रम है बड़ा धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है, जिसके अंदर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब मिलकर जो हमारी राजौरी की प्रथा है, परंपरा, उसको निभा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से ये जो हमारी कमेटी यहाँ पे बनाई गई है, गैरू कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मिस्टर सत्ता कर रहे हैं और उनके साथ टीम है, पारस जी हैं, काका सुखेश जी हैं, मोहिन जी हैं, राधेश जी हैं, निशिल गुप्ता जी हैं और बड़े कार्यकर्ता जो नए हमारे इस टीम में, इस बार 20 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका भी अच्छा रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरे तरीके से हमारा जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से आज तक चलता आ रहा है, 1947 से पहले का ये प्रोग्राम यहाँ राजौरी, रामपुर राजौरी में चलता आ रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। मैं भगवान बाबा भैरवनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ और सबसे यही कहता हूँ कि जितने भी भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं, सब बाबा भैरव जी से प्रार्थना करें कि ये जो कोविड चल रहा है पूरे भारत में, पूरी कंट्री में कोविड चल रहा है, ये कोविड खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जब एक बार काल पड़ा था तो यहाँ के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग, उन्होंने इकट्ठे होके वो गए थे एक संत महात्मा का पास, उन्होंने बोला था कि यहाँ जो काल पड़ा है, होलियाँ आते ही यहाँ पे जानकी निकाली जाए, हनुमान जी की, बाबा भैरव जी की। तब से ये प्रथा चल रही है और जो काल था पड़ा था वो रुक गया था। आज कोविड का जो माहौल चल रहा है, इसमें सब लोग प्रार्थना करें बाबा भैरव जी से कि ये जो कोविड है यहाँ रुक जाए। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे 8 दिन होलियों का कार्यक्रम चला है, हनुमान जी की झांकी, बाबा भैरव जी की झांकी, ये जो कोविड है ये खत्म हो जाएगा। सब लोग प्रार्थना करें, जय हनुमान जी की, जय बाबा भैरव जी की।